हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में। आज हम बात करेंगे पथरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा की। आज की जानकारी आपको पथरी के इलाज के लिए बहुत ही अद्भुत दवा है। साथियों, जब आपको पथरी हो जाती है तो आपके दिमाग में बहुत अलग अलग विचार आने लगते हैं। बात सर्जरी तक दिमाग में चली जाती है और सर्जरी से आपको डर भी लगता है। आप ये भी चाहते हैं कि बगैर सर्जरी के अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो तो यार बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपको जो दवा का नाम बताने जा रहा हूं, इसका जो प्रयोग बताऊंगा, तो आपको चाहे गुर्दे में पथरी हो तो, पेशाब की नली में पथरी हो तो, पेशाब की थैली में पथरी हो तो, ये इन पथरियों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। और साथ ही साथ आपके यूरिन संबंधी कंप्लेंट को और साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को भी ये आपको दूर करेगी। तो आइए शुरू करते हैं होम्योपैथी की ओसिमम कैन की। जी हाँ, ओसिमम कैन आपके यूरिनरी सिस्टम, किडनी से संबंधित और ब्लैडर संबंधित समस्याओं के लिए एक वाकई बहुत ही भरोसेमंद दवा है। अब जरा देखिए कि आपका रीनल कैलकुलस है, गुर्दे में पथरी है या पेशाब की नली में पथरी है या पेशाब की थैली में पथरी है, कहीं भी पथरी है, आपको ओसिमम कैन का प्रयोग करना है। कुछ ही दिनों में आप चमत्कारी रिजल्ट पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप कभी कभी देखे होंगे कि यूरिन का जो गंध है, यूरिन का जो ऑर्डर है, वो मस्क जैसा है, कस्तूरी जैसा स्मेल आ रहा है। अब आप परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, अगर ओसिमम कैम आप कुछ दिन तक ले लेंगे तो आपके यूरिन का जो ये कलर है, यूरिन का जो ये गंध है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको किडनी में पेन हो रहा, और विशेष तौर से मैं बात करूं, ऐसे तो ये दोनों तरफ काम करती है, लेकिन अगर राइट साइड में अगर आपको रीनल पेन हो रहा है, यानी गुर्दे में किडनी में दर्द हो रहा है और दाहिने साइड में हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ओसिमम कैन सचमुच में रामबाण है। अब कभी कभी यूरिन आप करते हैं तो यूरिन में ऐसा लगता है कि बालू बालू जैसा, यानी कि रेड सैंड इन द यूरिन, बिल्कुल लाल लाल बालू के कण जैसा आपके यूरिन से निकलता है। ये बहुत ही आम घटना है। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि पेशाब में कुछ जो है, मतलब बिल्कुल बालू बालू जैसा कण कुछ निकल रहा है। साथियों, ओसिमम कैन बहुत ही अच्छी दवा। इसके साथ ही साथ आपके किडनी में क्रैम्प हो रहा है, किडनी में ऐसा लग चिलक गई आपको, कभी कभी देखते होंगे कि मतलब थोड़ी देर के लिए, ये कोई ना कोई हर आदमी महसूस कर लेता, कभी कभी ऐसा लगता है कि किडनी में क्रैम्प हो रहा, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक लाइक जो है क्रैम्पिंग हो रही है, और थोड़ी देर के लिए हुई, इसके बाद फिर सही हो जाती है। और अगर ये चीज बार बार होती है, अक्सर आपको क्रैम्पिंग हो रही है, अक्सर आपको क्रैम्पिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से किडनी के अंदर आपको कोई ना कोई दिक्कत है, हो सकता है स्टोन ही हो। इसके साथ ही साथ यूरिन कभी कभी जैसे ईंटे का, ब्रिक के जो कलर का, कभी कभी रेड और कभी कभी येलो जो है सेडिमेंट यूरिन में निकलते हैं, तो ये ओसिमम कैन की यूरिन हो गई। इसके साथ ही साथ कभी कभी आपके यूरेटर में बहुत ज्यादा पेन होता है। यूरेटर में समझिए दोस्तों, पेशाब की नली, किडनी से अटैच जो नली है जिसके द्वारा यूरिन जो है आपके ब्लैडर में आता है, उसमें अगर कभी कभी आपको बहुत तेज दर्द हो रही है तो ओसिमम कैन बहुत ही अच्छी दवा है। साथियों, ओसिमम कैन को आप एक बर्बरिस बल्गेरिस के सपोर्ट में भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बर्बरिस बल्गेरिस एक आम नाम है। होम्योपैथी में पथरी के की बात आती है तो बर्बरिस बल्गेरिस लोगों के जबान पे है, लेकिन ये ओसिमम कैन को भी आप बर्बरिस बल्गेरिस से कम मत समझिए। ये बहुत ही अच्छी दवा है और ये ब्राजीलियन हर्ब से बनाई जाती है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्टोन के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आज आपको स्टोन की एक बहुत ही अच्छी और कारगर दवा जानकारी में
आ गई। अभी तक आप लोग बर्बरिस बल्गेरिस को जानते थे, लेकिन उसके साथ में अब ओसिमम कैन को भी जान लीजिए और इसका प्रयोग सुन लीजिए, इसे कैसे आप यूज करेंगे। देखिए साथियों, ओसिमम कैन को मदर टींचर बेस में यानी क्यू फार्म में अगर आप यूज करते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देती है। अब जैसे मान लीजिए आपको स्टोन हो गया और आपको पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, आपके यूरिन में भी दिक्कत आ गई, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और स्टोन आपको निकल आया, वो स्टोन चाहे किडनी में हो तो, यूरेटर में हो तो, यूरिनरी ब्लैडर में हो तो, कहीं भी अगर यूरिन स्टोन है तो आपको करना क्या है, मदर टिंचर ओसिमम कैन आपको 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको कुछ दिन तक ले लेना है। एक एक महीने पर आप अल्ट्रासाउंड कराइए साथियों, 2-3 बार आप अल्ट्रासाउंड कराते कराते, हो सकता है छोटी हो तो एक बार में ही, एक महीने में ही निकल जाए, हो सकता है कि आपको 2 महीना भी करना पड़ सकता है, 3 महीना भी करना पड़ सकता है, लेकिन साथियों ये दवा अगर आपने सही से प्रयोग कर लिया तो पथरी आपकी जरूर निकलेगी। अगर आपको इसका प्रयोग करना है और रिजल्ट देखना है तो आप इसका प्रयोग करके देखिए। आपको पहले तो जो एसेसरी सिम्टम है, छोटे मोटे जो सिम्टम मैंने बताया, ये हो सकता है 2-4-10 दिन के अंदर ही सही हो जाए, और आप अल्ट्रासाउंड करा के जब देखेंगे तो खुद पाएंगे कि यार यार ये तो चमत्कार हो गया, पथरी निकल गई। तो साथियों ऐसे ही चमत्कार के लिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बनी है। आप दवाओं का प्रयोग करना सीखिए, उसका इस्तेमाल करना सीखिए, भरोसा करिए और सही तरीके से आप लीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए इन दवाओं का बहुत ही बड़ा रोल है। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर SB तिवारी और पाइए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। साथियों यूट्यूब चैनल डॉक्टर SB तिवारी आपके जीवन की उन समस्त समस्याओं को, समस्त जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए आप यूट्यूब चैनल डॉक्टर SB तिवारी के प्लेलिस्ट में जाके और रूब्रिक बने हुए हैं उसको देखिए, आपको हर तरह की जानकारियां मिलेगी। अगर आप अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक निर्बाध गति से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।